iOS 16.5 बीटा 1 फीचर्स एंड डाउनलोड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम सभी ने 16.4 को ऑफिशियली डाउनलोड एंड यूज कर लिया है। अब बात कर लेते हैं iOS 16.5 बीटा 1 के फीचर्स के बारे में। क्या आपको ये अपडेट करनी चाहिए, कौन कौन से आपको मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं इस बीटा प्रोफाइल में, प्लस कैसे इसको आपको डाउनलोड करना है। तो चलो गाइस, यहाँ पे ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते अपने मेन टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा, iOS 16.4 में जितने भी बैटरी से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिले थे वो ऑलमोस्ट फिक्स आउट हो चुके हैं दोस्तों। यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली इन्फॉर्म करें। एंड आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी चेक कर सकते हैं, मुझे ऑलमोस्ट 2 डेज हो चुके हैं 16.4 को यूज़ करते हुए, एंड इन 2 डेज में मुझे बैटरी परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक लग रही है। आप सभी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज़ करता हूँ अपने आईफोन को, बट यहाँ पे जो मुझे ओवर ड्रेन प्लस यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन हो रही थी वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी है। गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें तो एक एवरेज एंड ठीक ठाक है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, इसमें आपको फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे अगर हम बात करते हैं iOS 16.5 बीटा 1 की। इस अपडेट के अंदर आप सभी को पहला चेंजेस देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो मॉडर्न फर्मवेयर वो चेंज हो जाएगी, प्लस जो बिल नंबर है वो भी आपको चेंज हुआ मिलेगा। तो इट मीन्स गाइस, अगर यहाँ पे कुछ नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो फिक्स आउट होंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप सभी इस अपडेट को यानी कि 16.51 बीटा 1 को अगर डाउनलोड करके यूज़ करते हैं तो इसमें जो है आपको काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड इस अपडेट का सेकंड चेंज ये होगा कि दोस्तों आप सभी सीरी की हेल्प से स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल कर पाएंगे। जी दोस्तों, फॉर एग्जांपल अभी के टाइम आप सभी कुछ इस तरीके से आईफोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल करते हैं, बट जैसे ही आप सभी इस अपडेट को कर लेंगे तो आप सभी को बोलना होगा हे सीरी इनेबल स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एंड आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाएगी। एंड ये सब जान लेते हैं हाउ टू डाउनलोड iOS 16.5 बीटा 1। तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को जाना है अपने आईफोन की सफारी ब्राउजर पे, एंड वहाँ पे टाइप ऑन करना है सर्च बार पे आपको टाइप करना है betaprofiles.tev। ठीक एग्जैक्टली आपको इसी वेबसाइट को टाइप ऑन करना है, एंड यहाँ सर्च करने के बाद आप सभी विजिट कर जाते हैं iOS बीटा प्रोफाइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप सभी चेक करें iOS 16.5 बीटा, सिंपली टैप ऑन करें, एंड यहाँ पे आपको इंस्टॉल के बटन पे टैप ऑन कर देना है, एंड अलाउ पे क्लिक करें क्लोज। जैसे ही सभी यहाँ पे क्लोज करते हैं जस्ट जाएं एंड आपको प्रोफाइल डाउनलोडेड देखने को मिल जाती है। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें, एंटर करें अपना पासकोड एंड सिंपली अगेन इंस्टॉल, एंड आपको यहाँ पे रीस्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट नोट नाउ कर दें एंड डन के बटन पे क्लिक करें एंड जाएं बैक। एंड आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट पे, सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपकी iOS 16.5 जो है डेवलपर बीटा आपको देखने को मिल जाती है। बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे आप सभी चेक कर सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड बीटा अपडेट्स जो है देखने को मिल जाती हैं। इसके अंदर भी अब आपको रजिस्टर करना होगा, यानी दोस्तों आप जो एप्पल जो है यहाँ पे साइन अप करवाएगा आपसे, तो ही आप यहाँ पे जो है बीटा प्रोफाइल्स को यूज़ कर पाएंगे। हालांकि पब्लिक बीटा जो आप यूज़ कर पाएंगे नॉर्मली, बट अगर आप डेवलपर बीटा प्रोफाइल्स को यूज़ करेंगे अब आपको यहाँ पे इनरोल करना पड़ेगा, यानी कि साइन इन करना पड़ेगा। तो गाइस, कुछ इस तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं iOS 16.5 बीटा 1 में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज़ आप सभी इस अपडेट को कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मैं तो कहूंगा जब इसका स्टेबल वर्जन रोल आउट होता है तो ही आप इसको यूज़ किया करें, क्योंकि इसमें थोड़े से बग्स एंड ग्लिचेस होते हैं। तो डैट्स वाई गाइस, अगर आप इनको यूज़ करते हैं आप पे डिपेंड करता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें एंड इनका ऑफिशियल यानी कि स्टेबल वर्जन मैं आपको बताऊंगा तो ही आप इसको यूज़ करना, ठीक है। बाकी मैंने आपको बहुत ही प्रॉपरली तरीके से गाइड कर लिया है। कुछ प्रॉम्प्ट्स आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।